अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू लिटरेरी स्टडीज एंड द टॉपिक इज फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच का जहाँ तक तल्लक है इम्पोर्टेंस का लिटरेरी स्टडीज के हवाले से, तो ये बहुत है। मैं हर टेस्ट में इसमें से फिगर्स में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, और जिस स्टूडेंट को जो कि अपने आप को लिटरेचर का स्टूडेंट मानता है या समझता है, अगर उसको फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं आते होते हैं तो इसका मतलब उसका दावा जो है वो झूठा है या वो ठीक नहीं है। उसको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिगर्स ऑफ स्पीच को दूसरे लफ्ज़ में फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है, और जो शायर अदीब हैं वो फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इस पिक्चर को देखें और उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि जो कहा जा रहा है वो क्या है और जो उसका मानी है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाओ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर, यानी लफ्ज़ी मानी जो लिटरल मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग है, आप उस पर अगर गौर करें तो इससे मतलब क्या बनता है कि बिल्लियों और कुत्तों की बारिश हो रही है बाहर, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो बेसिकली आपको सिखाती ये चीज़ है कि जो मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन होते हैं और जो उनका एग्जैक्ट और जो सही सेंस होता है वो आपको ये चीज़ बताती है, जिसको हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। A figure of speech is a departure from ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो figure of speech से मतलब क्या होगा, ऐसा एक्सप्रेशन होगा, ऐसा अंदाज होगा, ऐसी लैंग्वेज होगी जो एक आम लैंग्वेज एक्सप्रेशन से हट के होगी और उसमें कोई जो है ना वो ऑर्डिनरी किस्म की जो बातें होंगी, बेशक बातें ऑर्डिनरी हो सकती हैं लेकिन जो उसका अंदाज़ इस तरह से होगा कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो जो राइटर्स होते हैं वो एक आम सी बात को भी इस तरह से बयान करते हैं कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव महसूस होती हैं, और वो जो चीज़ जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना कर पेश करती है ना, उसी को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। What is a figure of speech? A figure of speech is a figurative language in form of a single word or phrase. यानी ये एक्सप्रेशन है जो एक फ्रेज भी हो सकता है, वो एक वर्ड भी हो सकता है, उससे भी अंदाज़ लगाया जा सकता है। तो figure of speech जो है वो एक figurative language है एक वर्ड या फ्रेज की शक्ल में। It can be a special repetition, arrangement or omission of words with literal meaning or a phrase with a specialized meaning, not based on literal meaning of the words. यानी ये एक वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ जो है वो स्पेशल रिपीटेशन के साथ है, अरेंजमेंट के साथ है, और कुछ अल्फाज में कोई ओमिशन आ जाए, यानी कुछ काट कर उसको शॉर्ट कर बयान किया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्रेज जो है ना वो स्पेशल मीनिंग के साथ आएँ, ना के लिटरल मीनिंग के साथ हों। तो फिगरेटिव लैंग्वेज या जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यही है कि वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज से हट के बात की जाती ताकि वो इफ़ेक्टिव बनाई जा सके। सो व्हाट टू रिमेंबर इज दैट अ फिगर ऑफ स्पीच इज एसेंशियली अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन अ नॉन लिटरल सेंस फॉर रेटोरिक और विविड इफेक्ट। यानी ये फिगर ऑफ स्पीच है मतलब क्या, वो वर्ड या फ्रेज हो सकता है जो नॉन लिटरल सेंस जो है उसमें उसको लिया जाता है और रेटोरिक एक्सप्रेशन या विविड इफेक्ट जो है उसके लिए वो यूज़ करते हैं। दे आर प्राइमली डिफाइंड एज सीइंग वन थिंग इन टर्म्स ऑफ समथिंग एल्स। व्हाट डज दैट मीन? वेल, इट्स सिंपल एक्चुअली। They are plainly defined as saying one thing in terms of something else.
Right. So just try to understand here. Whenever you say something but you don't mean it literally, you are using a figure of speech. Let's say you are about to head out to store and your mother says, you better take a jacket, it's raining cats and dogs out there. So अगर आप इस चीज़ को समझाने के लिए एक मिसाल है कि आप कहीं बाहर जाना लगते हो और आपकी मदर कहती है कि बेहतर ये होगा जैकेट पहन लो क्योंकि बाहर शदीद बारिश हो रही है, तो क्या कि does your mom literally mean animals are falling from the sky? No, not at all. ये यानी जो आपकी जो मदर कह रही है उसे मतलब ये नहीं कि कोई आसमान से बिल्ले कुत्ते बिल्लियाँ कुत्ते जो है ना वो गिर रहे हैं, इससे मतलब ये है कि शदीद बारिश हुई. So there are different types of figures of speech also, but all those types of figures of speech we will be talking about them, but for that you will have to wait for the next video. अगली जो है ना जो वीडियो होगी उसमें हम कुछ figures of speech पे बाकायदा वन बाय वन बात करेंगे. Thanks for listening and viewing.